लिमिट एज सम करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन आना ही आना है, 4 या 6 मार्क्स श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। मतलब आप ये देखिए कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लिमिट एज सम का फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि लिमिट ए है, ये लिमिट बी है, हर बार हम आगे बढ़ रहे हैं, एच फिर 2h, एच वही जो हमने लिमिट में पढ़ा है, 3h, 4h, 5h, ये एच भी सिंगल सिंगल करके बढ़ रहा है, ये क्या बन रहा है, ए पी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट हमारा बन जाएगा एन माइनस 1। आपको पता है एरिया क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये देखो, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, हम लिखते हैं एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ध्यान से देखो, ये लेंथ ले ली हमने, ये ब्रेड्थ ले ली। देखा जाए तो लेंथ तो है ही है एवरेज हाइट, इसका फॉर्मूला ये है लेंथ इनटू एवरेज हाइट। क्योंकि ध्यान से देखो, बी एंड बी दो बी है हमारे पास, यहाँ इसकी एवरेज निकालेंगे तो बी बन जाता, तो ये बन जाता लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, एरिया इज वॉट बेस इंटू एवरेज हाइट, बेस इंटू एवरेज हाइट। सॉरी, बेस कितना है, ए से लेकर बी तक, यानी इसका डिफरेंस क्या हो गया, बी माइनस ए, एवरेज हाइट। ध्यान से देखो, एक हाइट हमारी एफ ए है, अगली वाली एफ ए प्लस एच है, ये फॉर्मूला है एफ ए प्लस 2h है, क्योंकि ए पी चला तो लास्ट टर्म क्या हुई, एफ ए प्लस एन माइनस 1। एवरेज निकालनी तो एन हाइट से बीच में, तो एन से डिवाइड कर दिया, एन से क्या कर दिया, डिवाइड, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका लिमिट एज अ सम का। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो आने ही आने हैं। और जो एच है वही पीछे जो हम पढ़ के हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इस केस में जो एच होता है दैट इज बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, बी एच एन एच है बीच में, ध्यान से देखा जाए तो एक एच एवरेजली किसके बराबर होगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, एक एच सिंगल एच किसके बराबर होता है, एच वही लिमिट नियर अबाउट लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है जी, इसे नोट करो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। कर लो नोट, बुक में आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एच एफ ए डेफिनेट बहुत श्योर शॉर्ट है, कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेट खींचनी बहुत आसान होती है। इसके बाद डिफरेंशियल, इसके बाद बचते हैं डेफिनेट दो टॉपिक, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन और एरिया वाले। ठीक है जी, लो फॉर्मूलाज ध्यान रखिए जो हमें बार बार यूज करते हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इसके बराबर होता है एन, एन प्लस 1 अपॉन, ठीक है जी, अगर n तक का सम है तो ये, अगर मान ली मेरे को n माइनस 1 तक का सम चाहिए, n की जगह क्या, इसे हम बोलते हैं सिग्मा n, लास्ट में सिग्मा लगा दिया जाता है, इसे बोलेंगे सिग्मा n माइनस 1, n की जगह क्या आ जाएगा n माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला बन गया n माइनस 1 n बाय 2 इट इज सिग्मा n माइनस, ये फर्स्ट फॉर्मूला एज ए सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, याद करो इसके बराबर होता है एन एन प्लस 1
2n plus 1 upon 6, इसे हम बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें n माइनस 1 तक का स्क्वायर चाहिए, n की जगह n माइनस 1 रखते हैं, n माइनस 1 प्लस 1, जब यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1 upon 6, n माइनस 1 फॉर्मूले अभी यूज होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते मार्क रखना है, ठीक है जी। दो क्लासेस का काम होता है, ये भी खत्म हो जाएगा। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आने ही आने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आंसर चेक भी हो जाता है, आंसर चेक भी हो जाता है, ठीक है जी। So using limit as a sum. ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहला है 1 से लेकर इसकी, इसको मैं चेक भी करके लिखूंगा आपको, ठीक है। लिखो a 1 है, b 3 है, h क्या होता है b माइनस a बाय n, c माइनस दैट इज 2 बाय, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, x यहाँ पहले रखेंगे 1 क्योंकि a होता है, फिर 1 प्लस h, फिर 1 प्लस 2h, फिर 1 प्लस 3h, ध्यान से देखना, समझना बहुत जरूरी। 1 प्लस n माइनस 1 h, क्योंकि पहले होता है a प्लस एच, ए प्लस टू एच, जहां जहां x है a रखा, फिर a प्लस एच रखा, फिर a प्लस टू एच रखा, a प्लस टू एच, तो ऑन a प्लस एन माइनस 1,
ये ध्यान रखना n और h में थोड़ी दिक्कत होती है, n है कि h है प्लस 4। अब यहां लिखेंगे हम बाय एडिंग, ठीक है जी, बाय एडिंग, ठीक है जी। बाय एडिंग लिखते ही आप यहां पे पहले लगाएंगे h, क्योंकि फॉर्मूले में बाहर h है, ये पूरे पोर्शन के साथ हम लगाएंगे, जैसे 1 नजर आ रहा है हर चीज के साथ सिग्मा लगा देंगे, ठीक है जी। आराम से लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, h 1, सिग्मा 1 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये n हो जाएगा। ऐसे ही इसको एक मिनट अभी करते हैं, n माइनस 1 h को, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 का हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n, ठीक है जी। लिमिट h टेंस टू, फॉर्मूला लगाओ, n माइनस 1 h का फॉर्मूला n माइनस 1 n बाय 2, और ये है h, लिमिट लिखेंगे h अप्रोचेस टू अंदर ले जाओ 5n h स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। अब h की वैल्यू रखो, h है आपका 2 बाय n, और यहाँ n स्क्वायर बना लो जिससे कि इजीली हम सॉल्व करें, 2 बाय n जब रखोगे h की जगह तो 4 बाय n अपॉन, ये कट गया, ये n से n, ठीक है। ऐसे लिखेंगे एज n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, देयर फोर 1, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, 1 बाय n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, बच्चा क्या यहाँ पर बच्चा 10, यहाँ ये अकेला 1 बाय n है, ये हो जाएगा 0, यहाँ बच्चा 4, नीचे बच्चा 10 प्लस 2, आंसर क्या आ गया 12। चार मार्क्स यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ, क्वेश्चन को आंसर चेक कर सकता हूँ, नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, नाइन बाय टू प्लस 1 बाय टू प्लस लो ये हो गया 8 बाय टू, और ये हो गया 12 में 4 के 8, 4 प्लस 8 12, आंसर वही आया, श्योर शॉट 100% मार्क्स आपको मिल जाए। तो इन क्वेश्चनों में घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आंसर भी चेक हो जाता है, आंसर भी चेक हो जाता है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, ठीक है जी। आई अगेन रिपीट, चेक भी कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैसे ना किया हो तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लुक, लिमिट इज 2 to 5, a 2 है, b 5 है, h क्या होता है b माइनस a बाय n,
आपका इस बार टू है फॉर्मूले के साथ, फिर ए प्लस एक्स ये माइनस ए प्लस टू है ठीक है जी, फिर ए प्लस एन माइनस वन एक्स, एक्स की जगह रखना है ठीक है ना, सी तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग, इन सबको जोड़ रहे हैं पूरे के, इसके साथ भी सिग्मा लगाऊंगा इसके साथ भी ठीक है जी, आराम से तीन ने इसी पोर्शन से मल्टीप्लाई होना है, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिक्स प्लस थ्री एन माइनस सिग्मा सिग्मा सिक्स थ्री सिग्मा एन माइनस वन माइनस सिग्मा वन, ये हो जाएगा सिक्स एन, ये इसको वाइनी एन में जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना आसान हो जाएगा, वन वाला हो जाएगा वन। हर जगह लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू सिक्स एन में से ये गया बचा गया फाइव एन, सिग्मा एन माइनस वन का फॉर्मूला एच। अब इस एच को अंदर देखो फाइव एन एच का फॉर्मूला है और ये है यहाँ एच लिमिट एच टेन, एच की वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू है बाय एन, यहाँ एन स्क्वायर एन अंदर से कॉमन ले लो, एन स्क्वायर बन जाएगा नाइन बाय एन, ये कट गया। लेकिन एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन बाय एन अप्रोचेस टू, यहाँ बचा पंद्रह यहाँ बचा तीन, वन बाय एन जीरो हो गया सिक्सटीन पंद्रह सत्ताईस बचा सेवन बाय टू, चेक भी करो ठीक है ना, चेक जरूर करना है आपको, मैंने तो एक करके दिखाया आपको। नॉर्मल इंटीग्रेशन कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द गौर करते हैं। ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से करा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये देखो जी लिमिट इज वन टू फोर फाइव एक्स प्लस थ्री डी, ये क्या हो गया वन रखेंगे a f, इसी में रखेंगे a प्लस x, रखना काम पे होता है x बन जाएगा
प्लस कॉस ए प्लस एन माइनस वन, बाय इस पूरे के साथ सिग्मा लगाओ, जितने टर्म एकदम ये नजर आ रही है और ये एकदम इसके साथ भी सिग्मा लगा, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 5 एन माइनस 1। अब 1 बाय 1 सिग्मा ओपन करो, सिग्मा 5 5 सिग्मा एन माइनस 1 एक्स प्लस सिग्मा, हर जगह लिखना है लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो। सिग्मा 5 क्या हो जाएगा, 5n ये हो जाएगा 3। फाइव एन प्लस 3n 8n, एन सिग्मा एन माइनस वन का फॉर्मूला रखेंगे, एन माइनस वन एन बाय टू, यहाँ आ गया एच। अब एच को अंदर मल्टीप्लाई करो, फाइव एन एच फाइव एन एन माइनस वन बाय टू एच लिमिट एच टेंस टू, लिमिट एच टेंस टू जी। अब रिप्लेस करो एच को, एच क्या आपका 3 बाय n क्या होता है लास्ट तक आ रहा है, n अप्रोच कहां कर रहा है इनफिनिटी, अगर n अप्रोच करता है इनफिनिटी को, देयरफॉर 1 बाय n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, सो दिस 5 2 माइनस 0 हो जाएगा, लो सो दिस प्लस 45 होता है 93 बाय, आंसर आ गया 93 बाय। मैं क्यों इतने बढ़िया से आपको करा रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आने ही आने हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, चेक भी करना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। पेपर में 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया होता है, तो अगर आप चेक कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बार बार जितना लिखोगे उतना आसान हो जाएगा, ये हो गया 2 बार। वन रखा, वन प्लस एच लिख देंगे बाय एडिंग, इन सबको जोड़ रहे हैं, बार लगाओ एच, जितने
कितने पोर्शन नजर आते हैं सबके साथ, सिग्मा नो, सिग्मा वन, सिग्मा फोर, वन प्लस एन माइनस वन आराम से, फोर प्लस फोर एन माइनस वन माइनस सिग्मा फोर प्लस, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा फोर एन, ठीक है जी। हर जगह लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एन में से ये क्या माइनस थ्री एन बचेगा, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर एन माइनस वन एन बाय थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू है टू बाई, यहाँ एन स्क्वायर बना लो, एक एन अंदर से कॉमन लेंगे, एन से डिवाइड होकर वन होगा, यहाँ वन बाय एन होगा, फोर बाय एन, ये भी कट गया, ये एन से एन कट गया, लेकिन एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन माइनस अप्रोचेस टू, आई होप आपके दिमाग में घुस गया होगा ये, सबसे बड़ी बात कि इनके आंसर भी चेक हो जाते हैं। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अब चलेंगे टाइप टू पर, ये था टाइप वन, अभी तुमने करा है टाइप वन, अब करेंगे टाइप टू। ध्यान से देखना होता है, स्क्वायर वाला आ गया, लिमिट इज वन टू थ्री, अब आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4। हर टाइप के दो दो क्वेश्चन करवा के दो दो घर के ले दूंगा, जिससे पहला तो हिल कराया था थोड़ा हाथ खुल जाए, ठीक है जी। ए वन हो गया, बी थ्री हो गया, दैट इज 2 बाय n। आराम से देखना, बहुत ध्यान से देखना, स्क्वायर वाले में दिक्कत होती है, क्यूब वाले पहले रखा ए प्लस एन, ए प्लस टू, ठीक है जी। तो ए प्लस एन माइनस, बहुत ध्यान से करना होता है नंबर अगर लेते हैं,
पहले स्क्वायर को खोलो, ये स्क्वायर टू स्क्वायर में नहीं है, बाहर है, से बाहर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए हो जाएगा सिग्मा टू को पहले मल्टीप्लाई करो जल्दबाजी में, एक टाइम में एक काम करो, ये थोड़ा ना टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, अब हर टर्म के साथ साथ सिग्मा खोलते जाओ, ठीक है जी। हर जगह लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, आपने कहीं नहीं छोड़ना, नंबर कटते हैं इसके टू एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन, ठीक है जी एच की वैल्यू हम लोग टू बाय एन, यहाँ क्यूब बनेगा ना क्यूब, यहाँ पर एक एन यहाँ से फॉर्म होगा एक यहाँ से, ये हो जाएगा टू एन टू वन माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय एच क्यूब ए सवाल एन एच हो गया फोर बाय एन एच हो गया टू बाय ये इससे कट गया ये इससे कट गया ये इससे, यहाँ पे लिखो एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन बाय एन अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ बचा टू यहाँ बचा टू, वन बाय एन को जीरो होता जाएगा, लिख लो बेशक वन माइनस जीरो इंटू फोर ये हो गया माइनस फोर, दो एक दो आठ सोलह बटा तीन आठ माइनस चार प्लस चार अट्ठाईस बटा तीन, आप चाहो तो प्रॉपर इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चेक जरूर कर रहे हैं, छह नंबर का अगर क्वेश्चन आया गया तो आप छह नंबर अपने लूज नहीं कर सकते, ठीक है। रोजी नोट एक और करवाते हैं फिर ऐसा क्वेश्चन, सारा ध्यान यहाँ रखना है, जब आप सिग्मा लगाओगे इसके साथ और इसके साथ, पहले होल स्क्वायर खोलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर टू को अंदर मल्टीप्लाई करना है इन तीन टर्म्स के साथ, क्योंकि टू इस ब्रैकेट के बाहर है, ये तो जो है वो है, फिर सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है ना, सिग्मा टू टू एन हो गया, सिग्मा फोर फोर एन हो गया, फिर इनका फॉर्मूला रखा इसका रखा, ये माइनस फोर एन माइनस टू एन क्या हो गया माइनस टू एन, फिर एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एच क्यूब हो गया यहाँ एच स्क्वायर हो गया यहाँ एच हो गया, फिर एच की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हर जगह, आप ध्यान दोगे एन क्यूब बनेगा, एन क्यूब पहले तैयार रख लेना, एक एन यहाँ से कॉमन ले लिया एक यहाँ से ले लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, ये इससे कट गया ये स्क्वायर इससे कट गया ये इससे, और जहाँ जहाँ वन बाय एन नजर आए तो जीरो रखते जाओ, क्योंकि अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो वन बाय एन अप्रोचेस टू क्या है जीरो, तो अल्टीमेटली एक कक्ष निकल गया आपके सामने। एक क्वेश्चन और कहूँगा इसका, दो घर के ले दूंगा,
ठीक है जी, बड़े आगे जिसने रहा कि वो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। बोल देखिए टोमेटोज 3 to 5 एक बार थ्री है प्लस पहले ये होल्स्टर खोलो, 6 को बाद में 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हर जगह लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, अब सिग्मा लगाते जाओ, 6 σ n − 1 σ n − 1 σ 6 व्हाट इट सिंपलीफिकेशन करते जाओ, ये हो जाएगा 54 n। जो चीज कलेक्ट हो सके कलेक्ट कर लो, 60 n मल्टीप्लाई भी करते जाओ, ठीक है ना। अब h अंदर ले जाते हैं, ये 66 कट गया, लो जी n³ (1 − 1 n) (2 − 1 n) (h³) 18 n² (1 − 1 n) (h² h को रिप्लेस करना शुरू किया, h की वैल्यू है 2। लिखेंगे as n approaches to infinity 1 minus approaches to 0, कहाँ बचा 1 के अंदर, आप 6 1 − 0 2 − 1 0 into
चेक भी कर सकते हैं। सारा खेल कैलकुलेशन का है। क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ, सी एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिमिट अगर सम से ही करनी है ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिमिट इज 1 टू, टाइप सी पे पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इन क्वेश्चंस में आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये आ गया आपका टाइप 3। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, a1 है b4 है, x क्या हो जाएगा b-a/n यानी b/n। by adding h
नहीं गया, ठीक है जी। ये हो गया आपका n, ये हो गया और ये हो गया प्लस टू। जितना शॉर्ट करते जाओगे, चार एन में टू एन गया बेटा दो, हर जगह लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो। एच की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू रखो, ये कट गया है यहाँ बेटा छह एन क्यूब, एन क्यूब एन क्यूब भी बचा छः टू बाय, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सब ट्वेंटी दो तीन छः तीन सत्ताईस छः प्लस नौ आंसर आ गया। सबसे बड़ा बेनिफिट आप चेक भी कर सकते, आप चेक भी कर सकते, ठीक है जी। इसमें होमवर्क नोट कर लो, वन से थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव टाइप थ्री का तो मजा आता है। एक टाइप फोर का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक आप खुद कर, ठीक है। लिमिट इज टू टू फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर ए टू बी फाइव एच हो जाएगा फाइव माइनस टू बाय एन यानी थ्री बाय टू रखा टू प्लस एज में क्या है टू,
कॉमा लगाओ, एक बार इसकी काम करवा देंगे। अब इसमें आपको क्यूब का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, क्यूब का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ठीक है जी। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब सी ए स्क्वायर डी सी ए बी स्क्वायर, ए क्यूब सिग्मा तो रहेगा ही ना, बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब टेन होगा या फोर एन होगा, फट से लिख दो ट्वेल्व है, एच तो बाहर है ही है, फॉर्मूला रखो एन माइनस वन एन बाय टू का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला रखो ट्वेल्व एन एन माइनस वन अपॉन, इसका फॉर्मूला रखो लिखना, लिमिट एच का एच को रिप्लेस करो, एच क्या आपका बी बाय एन फोर हो जाएगा, क्योंकि एन के अंदर से कॉमन नहीं है, एच की वैल्यू है क्या सी होता एन फोर, लिखना जरूर है, नंबर नहीं मिलेंगे आज
के श्योर शॉर्ट नंबर होते हैं, करके रखना ठीक है जी। होमवर्क में लिख लो उसका क्वेश्चन।